यदि आपके पास कोई पुराना फ़ोन है जो कि दराज पर रखा हुआ धूल जमा कर रहा है और आप उसे बेचना नहीं चाहते, यदि वो फ़ोन अभी भी ऑन होता है या उसका कैमरा अच्छी तरह से काम करता है, तो आप उस फ़ोन को अपने घर के अच्छे कामों के लिए यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आप उसे एक बेबी मोनिटर या फिर गूगल होम स्पीकर की तरह यूज़ कर सकते हैं, जो कि एक बहुत अच्छा आइडिया है। लेकिन आपके पुराने फ़ोन को अच्छे तरीके से उपयोग करने के लिए एक और तरीका है, जो कि है आप उसे अपने होम सिक्योरिटी कैमरा की तरह उपयोग कर सकते हैं। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने पुराने फ़ोन को एक होम सिक्योरिटी कैमरा की तरह सेटअप और यूज़ कैसे कर सकते हैं, जस्ट इन 3 स्टेप। तो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज क्रिस और आप देख रहे हैं ट्रांसफॉर्म इंडिया यूट्यूब चैनल। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट। अगर एक बार आपने उसे सेटअप कर लिया तो फिर आप अपने सिक्योरिटी कैमरा को कहीं से भी अपने नए फ़ोन से मॉनिटर या फिर कंट्रोल कर सकते हैं। तो सिक्योरिटी कैमरा बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन के लिए ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, लेकिन आपको इंटरनेट पे बहुत सारे सेम फीचर्स वाले ऐप मिल जाते हैं, जिसमें लोकल स्ट्रीमिंग, क्लाउड स्ट्रीमिंग, रिकॉर्डिंग और स्टोरिंग लोकली या फिर रिमोटली और मोशन डिटेक्शन और अलर्ट जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा वन ऑफ द बेस्ट ऐप जिसका नाम है एल्फ्रेड, जिससे आप अपने फ़ोन को इजीली सिक्योरिटी कैमरा में सेटअप कर सकते हो। और वन ऑफ द बेस्ट थिंग इज़ आप इस ऐप को क्रॉस प्लेटफॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ आपको कोई भी चिंता करने की बात नहीं होगी अगर आपके पास पुराना फ़ोन एंड्रॉयड फ़ोन है या फिर आईफोन, और ये नए फ़ोन के लिए भी सेम बात लागू होता है। एल्फ्रेड एक फ्री ऐप है जो कि बहुत अच्छा फीचर्स प्रोवाइड करता है, जैसे रिमोट कंट्रोल, मोशन डिटेक्शन विद अलर्ट, फ्री क्लाउड स्टोरेज, साथ ही 2-way ऑडियो फीड और दोनों फ्रंट कैमरा एंड रियर कैमरा यूज करने का ऑप्शन भी प्रोवाइड करता है। तो पहले आपको एल्फ्रेड ऐप डाउनलोड कर लेना है अपने दोनों पुराने और नए फ़ोन पे। टेंशन मत लीजिए, मैं आपको डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा एंड्रॉयड और iOS दोनों के लिए। ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको अपने नए फ़ोन पे इस ऐप को ओपन कर लेना है, फिर इंट्रोडक्शन वगैरह को स्वाइप कर लीजिएगा, फिर स्टार्ट को टैप करना है, फिर आपको यहाँ से व्यूअर पे सिलेक्ट करना है, फिर नेक्स्ट पर टैप कर लेना है। फिर जब आप साइन इन पेज पे पहुँच जाओगे तो आप अपने गूगल अकाउंट से साइन इन कर लीजिएगा और अपने पुराने फ़ोन पे भी सेम स्टेप रिपीट करना है। लेकिन यहाँ आपको व्यूअर सिलेक्ट नहीं करना है, आपको सेलेक्ट करना है कैमरा। और ये ध्यान रखिएगा, आपने जिस अकाउंट से अपने नए फ़ोन पे साइन इन किया है उसी सेम गूगल अकाउंट से यहाँ पे साइन इन करना है। अगर एक बार आपने दोनों फ़ोन से एल्फ्रेड पे साइन इन कर लिया तो फिर हमारा आधा से ज़्यादा काम यहीं पे कंप्लीट हो गया समझ जाओ। तो आगे बढ़ते हैं। तो आपने जिस पुराने फ़ोन पे कैमरा सेलेक्ट किया है उस फ़ोन पे आपको एल्फ्रेड का कुछ कैमरा ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन iOS डिवाइस पे आपको बस मोशन डिटेक्शन को इनेबल और फ्रंट और रियर कैमरा को इनेबल करने का ऑप्शन मिलता है, और ऑडियो इनेबल या डिसेबल करने का ऑप्शन भी मिल जाता है। वहीं अगर आपके पास एंड्रॉयड डिवाइस है तो उस पे आपको iOS वाला फीचर तो मिलेगा ही, साथ ही आपको कंटिन्यूस फोकस इनेबल, ऑटोमेटिक रीओपन अगर फ़ोन रिबूट हो जाता है, साथ ही रेजोल्यूशन सेट और पासकोड लॉक इनेबल या डिसेबल करने का ऑप्शन भी मिल जाएगा। इसका मतलब हमें एंड्रॉयड डिवाइस में ज़्यादा ऑप्शन देखने को मिलता है। और अपने नए फ़ोन जिसमें आपने व्यूअर वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया है उस फ़ोन पे आपको फ्यू सेटिंग्स और मिल जाती है, लाइक टर्निंग नोटिफिकेशन ऑन या ऑफ कर सकते हैं, कैमरा या व्यूअर का नाम सेट कर सकते हैं, और अपने फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स को भी ऐड कर सकते हैं अपने कैमरा को कंट्रोल करने के लिए। और साथ ही आप देख सकते हो कि आपका कैमरा कितने बार डिस्कनेक्ट या कनेक्ट हुआ था, और मोशन डिटेक्शन सेंसिटिविटी सेटिंग का ऑप्शन और कैमरा का लो लाइट फिल्टर इनेबल या डिसेबल करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो यूज़ करने के लिए आपको पहले तो दोनों फ़ोन पे एल्फ्रेड ऐप को ओपन कर लेना है, फिर जिस पे आपने व्यूअर वाला सेलेक्ट किया है वो तो नया फ़ोन है, उस पे आपको कंट्रोल करने का ऑप्शन मिल जाएगा, और जो कैमरा वाला है उसको आपको कहीं पे सेटअप करना होगा। तो आप एक बार उसे चेक कर लो कि आपका कैमरा सेटअप अच्छे से काम कर रहा है या नहीं, फिर बढ़ेंगे हम दूसरे स्टेप की तरफ। तो चेक कर लेने के बाद आपको अपने कैमरा को सेटअप करने के लिए
कोई अच्छी सी पोजीशन सिलेक्ट कर लेना है। आप इसे अपने घर के फ्रंट डोर या मेन गेट या आप जहां कहीं भी रखना चाहते हो वहां इसे सेट कर सकते हो। अगर आपके पास और भी पुराने फ़ोन्स हैं तो आप मल्टीपल कैमरा सेटअप कर उसे दूसरे जगह पे भी कैमरा सेट कर सकते हैं। तो अपने कैमरा को माउंट या पोजीशन करने के लिए आप स्मार्टफोन ट्राइपॉड का यूज़ कर सकते हैं या फिर सक्शन कप पर लगा कर कहीं भी चिपका कर छुपा सकते हैं। और अगर आपको वाइड फील्ड वाले व्यू चाहिए तो आप अपने फ़ोन के कैमरा के लिए वाइड एंगल वाले लेंस परचेस कर सकते हैं जो कि 100 से लेकर 1000 या फिर 2000 के बीच में मिल जाता है। और जब आप फ़ोन को सिक्योरिटी कैमरा की तरह यूज़ करेंगे तो आपको एक पावर सप्लाई की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि फ़ोन कैमरा 24x7 आवर्स ओपन रहने तो वाला है, तो ऑब्वियसली पावर सप्लाई की तो ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके लिए आप अपने फ़ोन के पास एक पावर बोर्ड लगाकर चार्जर से कनेक्ट कर सकते हो या फिर पावर बैंक से भी पावर सप्लाई कर सकते हैं। तो बस गाइस, आपको बस इतना ही करना था और आपका सिक्योरिटी कैमरा तैयार हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही गाइस, अगर आपको कुछ सीखने को मिला या वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी सब तो आप ही के ऊपर है क्योंकि मैं ऐसे ही बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, अभी के लिए गुड बाय।